हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूबी पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि एक मैराथन क्लास होने वाली है। और इस क्लास में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ कवर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद ना आप अपने दोस्तों से मिलेंगे और नव आपके दोस्त आपसे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम सारा चैप्टर कवर करेंगे। अगर कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, एक दो चैप्टर्स, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन कोशिश रहेगी कि हम एक ही वीडियो में अपना पूरा सिलेबस कवर करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा या इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और रिट्राइव किया जाता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हिंदी में बादल या मेघ कंप्यूटिंग बोलते हैं। कभी कभी हिंदी वालों को ऐसा भी मिल जाता है लिखने को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की डिलीवरी होती है जिसमें इंटरनेट पर होस्ट की गई सर्विसेज शामिल हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कई प्रकार के रिसोर्सेज शामिल होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन आदि, ठीक है। जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, हार्ड डिस्क में स्टोर होता था, उसके बाद सीडी डीवीडी आ गया था, और फिर अब सबसे लेटेस्ट में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो क्लाउड, जिसे हम हिंदी में बादल या मेघ कहते हैं, ये क्लाउड डेटा से भरे रहते हैं जो बादल आसमान में होते हैं, ठीक है। उसमें पानी भरा रहता है, जिस तरह उसी तरह क्लाउड में डेटा भरा रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फेसबुक में हम इमेज और फाइल्स को देखते हैं, ये सभी इमेज और फाइल्स क्लाउड पर स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए हार्ड डिस्क, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, कंटेंट ज़्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप लोग भी कॉपरेट करिएगा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग किसी बिजनेस या फर्म के लिए काफ़ी लोकप्रिय टेक्निक है, क्योंकि यह खर्चे को कम करती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, सुरक्षा को बेहतर बनाती है और परफॉर्मेंस भी बढ़ाती है, ठीक है। यह उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर विकल्प है जिन्हें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और समय समय पर बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस टेक्निक में जो सर्विसेज होती हैं वह प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती हैं। इन सेवाओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों सर्विस मॉडल्स हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें सारा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्लाउड, गूगल क्लाउड हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट Azure हो गया, ठीक है। और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पब्लिक, पहला पब्लिक है, चलिए पढ़ते हैं। पब्लिक क्लाउड वह क्लाउड होते हैं जो यूज़र को इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउड को थर्ड पार्टी जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा पब्लिक क्लाउड। देखिए, पहला था हमारा पब्लिक क्लाउड, दूसरा हमारा इसी अभी पब्लिक क्लाउड ही चल रहा, तो इसमें हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। आप लोग देखिए, इसमें वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़िएगा, पर कुछ टॉपिक्स तो मैं ही पढ़ ही देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से कर सकता है, इसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में पे पर यूज़ के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, अर्थात इसका आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जितनी सर्विसेज हम लेंगे सिर्फ हमें उतने सर्विसेज का पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पब्लिक क्लाउड के। जैसे IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐप इंजन हो गया, और विंडोज Azure सर्विसेज प्लेटफॉर्म आदि, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड वह होते हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं।
इसे इंटरनेट या कॉरपोरेट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड वे क्लाउड होता है जिनका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल कंपनी के द्वारा डेटा को मैनेज करने और डेटा सेंटर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्राइवेट क्लाउड की सुरक्षा बहुत ही अधिक होती है। इसमें फायरवॉल का इस्तेमाल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा, हाइब्रिड क्लाउड। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पब्लिक प्राइवेट, अब हम तीसरा पढ़ेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात यह पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। इस क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो यह था हाइब्रिड क्लाउड। अब हम आगे देखेंगे, देखिए मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा, मतलब सारे हेडिंग्स नहीं पढ़ूंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहा हूँ। अगर आपको और पढ़ना है तो आप लोग पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। चौथा है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी वितरित सिस्टम है। इसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेस किया जाता है और इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे क्लाउड की तुलना में यह काफ़ी सस्ते होते हैं या पब्लिक क्लाउड की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं, ठीक है। इस कम्युनिटी क्लाउड का उदाहरण है जैसे हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड आदि, ठीक है। अब देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से एडवांटेज होंगे ये देखते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करना और बैकअप लेना आसान होता है। इसमें जानकारी को शेयर करना आसान होता है। इसमें यूज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं से भी क्लाउड में स्टोर की गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मेंटेन करने में कम खर्चा आता है, ठीक है, यानी लेस कॉस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद है मतलब लेस कॉस्टली है, सॉरी कॉस्टेबल नहीं कॉस्टली। पांचवा है इसमें यूज़र मोबाइल के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकता है। छठवा, इसमें यूज़र जिन सेवाओं को ख़रीदता है उसके लिए उसे केवल इन्हीं के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डॉक्यूमेंट, चित्र, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी स्पेस मौजूद होता है, ठीक है। यह यूज़र के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करता है जिसके कारण यूज़र का डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान देखेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम डेटा और फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसमें अपनी सेवाओं को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कोई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है हम सभी यह जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है जिसके कारण यूज़र बहुत कम इसकी सेवाओं को कंट्रोल और एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। चौथा है क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा के मामले में अच्छा होता है लेकिन इसके बावजूद इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त हैकर्स डेटा की चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला PPT था, नोट्स था, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड नोट्स ओपन करते हैं, एक मिनट। तो अब लोग हम लोग अपना सेकेंड नोट्स ओपन करते हैं। तो मेरे पास टोटल 4 नोट्स बनाए हैं मैंने और बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है कंटेंट ढूंढने में। तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, तो देखिए ऑनलाइन डेटा स्टोरेज में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैकअप एंड रिकवरी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग हेडिंग भी याद कर सकते हैं, आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स में करते हैं या एनालिसिस में करते हैं। टेस्टिंग और डेवलपमेंट में करते हैं इसका यूज़, ये इसका एप्लीकेशन है। और देखते हैं एंटीवायरस के लिए करते हैं हम लोग। ई कॉमर्स में करते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा में करते हैं इसका यूज़। ई गवर्नेंस में करते हैं। मेडिकल फील्ड में करते हैं और एंटरटेनमेंट में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई एप्लीकेशन हो सकते हैं जैसे संगीत यानी म्यूज़िक, वीडियो और स्ट्रीमिंग सेवाएं आदि। इन सभी में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, इनकी 4 सर्विसेज होती हैं जो नीचे दी गई हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। तो देखिए पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखिए
IAS, APAS और SAS, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इसके बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप लोग सब पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देखते हैं। तो इसका पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड इन्वायरमेंट में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो IaaS एक ऐसी सेवा है जहां पर नेटवर्किंग डिवाइस, डेटाबेस और वेब सर्वर इंटरप्राइज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है, ठीक है। इसे HaaS के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूज़र को उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितना कि वो इस्तेमाल करता है, मतलब कि पे पर यूज़, ठीक है। यह सर्विस मॉडल एप्लीकेशन और सर्विसेज को विकसित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा, नेटवर्किंग और सर्वर प्रदान करता है, ठीक है। तो और पढ़ लीजिए इसके बारे में, इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखेंगे। तो इसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सकें, मैनेज कर सकें और डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो इस सर्विस का इस्तेमाल वेब डेवलपर्स के द्वारा कस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। इस सर्विस में डेवलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा स्टोरेज, डेटा सर्विस और मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पास को सामान्यतः मिडलवेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह SaaS और IaaS के मध्य का सर्विस मॉडल है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गए आदि, ये सभी क्या हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसको हम लोग खुद से कोडिंग करते हैं, खुद से मैनेज करते हैं, खुद से सारा काम करते हैं। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है कि इसमें हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है और इसमें कुछ एक्सेस हमें दिया जाता है और कुछ एक्सेस क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें सारा एक्सेस होता है सॉफ्टवेयर, मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर के पास, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के पास सारा एक्सेस होता है, बस हमें एक बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका पूरा नाम होता है SaaS का। यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है जिसका यूज़ हम लोग इंटरनेट पर एप्लीकेशंस और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, ठीक है। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र को एक सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल, मेंटेन तथा रन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र से सीधे ही रन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दोनों तरह की सेवाएँ शामिल होती हैं। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कस्टमर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित होता है और अलग सिस्टम में कोई ख़राबी भी आ जाए तो कोई भी डेटा सुरक्षित रहता, मतलब सभी डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल ऐप्स और ऑफिस 365। अब एक ये है फंक्शन एज अ सर्विस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की तकनीक होती है जिसका उपयोग छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लाउड में सूचना या डेटा को स्टोर करने और इंटरनेट का उपयोग करके उन्हें एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर का एक कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात यह इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें इन दोनों आर्किटेक्चर की विशेषताएँ शामिल होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाओं के लिए बहुत से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म, बैक एंड प्लेटफॉर्म, सर्वर, नेटवर्क, इंटरनेट सेवा और क्लाउड बेस्ड डिलीवरी सर्विसेज। ओके, तो इस आर्किटेक्चर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड देखेंगे
फ्रंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल क्लाइंट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्लाइंट साइड इंटरफेस और एप्लीकेशन शामिल होते हैं। इसके द्वारा क्लाइंट कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म को एक्सेस प्रदान किया जाता है, मतलब एक्सेस किया जाता है। फ्रंट एंड में वेब सर्वर, मोबाइल, टैबलेट आदि डिवाइसेस शामिल होती हैं। अब बैकएंड देखते हैं, तो बैकएंड का इस्तेमाल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के आवश्यक रिसोर्सेज होते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी आवश्यक रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। इसमें डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक फ्रंट एंड कंपोनेंट है जो क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसे क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है। तीसरा है सर्विसेज। तो सर्विस का काम क्लाइंट की ज़रूरत के अनुसार सर्विसेज को मैनेज करना होता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग तीन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको तीनों हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है रन टाइम क्लाउड, या वर्चुअल मशीन को एग्जीक्यूशन और रन टाइम वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग आर्किटेक्चर ही पढ़ रहे हैं। पाँचवा स्टोरेज। तो स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, या डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए क्लाउड में मेमोरी प्रदान करता है, ठीक है। छठवां इंफ्रास्ट्रक्चर, या होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल पर सर्विसेज प्रदान करता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट शामिल हैं जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, डिवाइसेस और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आदि, ठीक है। सातवां है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इस्तेमाल बैकएंड के एप्लीकेशन, सर्विस, रन टाइम, क्लाउड स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आठवां है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सभी जानते हैं। और नौवां है इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का माध्यम यानी मीडियम है जो फ्रंटेंड और बैकएंड को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। तो ये था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। अब हम इसके और आप तीसरे नोट्स देखेंगे। तो तीसरे नोट्स में है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग को आसान बनाता है, यह डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। एक मिनट, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, और थोड़ा बढ़ा लें। चलिए देखिए, यह क्लाउड कंप्यूटिंग को आसान बनाता है, यह डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरतों को पूरा करता है, यह क्लाउड कंप्यूटिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। इस आर्किटेक्चर के कारण डेटा को रिकवर करना आसान होता है, यह यूज़र को बेहतर एक्सेस प्रदान करता है, यह IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑपरेशन कॉस्ट को कम करता है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बावजूद डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चीज़ों का वर्चुअल वर्जन बनाया जाता है। इसमें कंप्यूटर सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज डिवाइस आदि का वर्चुअल वर्जन बनाया जाता है। दूसरों शब्दों में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन एक प्रकार की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी चीज़ों का वर्चुअल वर्जन बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग करके यूज़र बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को एक ही समय पर कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। यह टेक्निक एक समय पर कई यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करती है, ठीक है। इस तकनीकी का इस्तेमाल कंप्यूटर के वातावरण को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग करने के लिए भी किया जाता है, ताकि यूज़र एक ही समय पर कई एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सके, ठीक है। यह तकनीक IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगने वाली लागत को कम करता है और बिजनेस को फ्लेक्सिबल और यूटिलाइजेशन प्रदान करता है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन को हम एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं जिसमें डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क रिसोर्सेज या सर्वर के वर्चुअल वर्जन बनाए जाते हैं, ठीक है। यह तकनीक एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है
जो लॉजिकली रूप से हार्डवेयर से अलग होता है। अब और देखते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन देखेंगे। तो पहला है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग प्रकार से एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक विधि है जिसमें फिजिकल डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल वर्जन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एक प्रकार का सिस्टम है जिसका उपयोग करके यूज़र सर्वर से ही किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। आगे हम देखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। यह एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर यानी VMM को ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ये चौथा वर्चुअलाइजेशन का टाइप है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कई इंटरनेट यानी नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और इसे एक फिजिकल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे यह एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। आगे देखते हैं अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर सीधे कंप्यूटर पर स्थापित होते हैं यानी स्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन एक प्रकार की टेक्निक है जो यूज़र को कनेक्टेड डिवाइस से डेस्कटॉप तक पहुंचने में मदद करती है। यह टेक्निक पूरी तरह से एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन पर निर्भर होती है। ठीक है, इस तकनीकी का उपयोग करके यूज़र किसी भी स्थान से डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकता है। यह तकनीकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को मैनेज अपडेट और अपडेट करने में मदद करती है। ठीक है, सातवां है डेटा वर्चुअलाइजेशन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को विभिन्न रिसोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और डेटा वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल डेटा इंटीग्रेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और आठवां है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्चुअल नेटवर्क को बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब और आगे देखेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्चुअल नेटवर्क में संसाधनों के शेयर करने के लिए किया जाता है। इसके अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्चुअलाइजेशन के फ़ायदे। तो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है या इफ़िशियंसी क्षमता को बढ़ाता है। यह सस्ते होते हैं, वर्चुअलाइजेशन वर्कलोड को कम करता है, यह एनर्जी ऊर्जा की बचत करता है, यह डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को प्रमोट करता है। अब इसके नुकसान देखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इसमें सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यह स्केलेबल नहीं है या किसी कार्य को करने में ज़्यादा समय लगाते हैं और इसमें कुछ सीमाएं होती हैं लिमिटेशंस और इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, अब क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। क्लाउड सिक्योरिटी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लाउड सिक्योरिटी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्लाउड पर आधारित सभी एप्लीकेशन और डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्लाउड सिक्योरिटी एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल क्लाउड में मौजूद सिस्टम डेटा और एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लाउड सिक्योरिटी को क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी ऑनलाइन स्टोर हुए डेटा को हैकर से सुरक्षित रखती है जिससे कि डेटा चोरी ना हो, डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो और डेटा में कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी के लाभ देखेंगे। तो क्लाउड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसमें हमें सिर्फ उन्हीं हार्डवेयर के पैसे देने पड़ते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं,
यानी पे पर यूज, ठीक है। यह हैकर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह डीडीओस अटैक से बचाता है। डीडीओस अटैक एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, ठीक है। यह डेटा को चोरी होने या गलत इस्तेमाल होने से बचाता है। यह क्लाउड को मालवेयर या फिर रैनसम वेयर से सुरक्षित रखता है, ठीक है। यह वायरस के खतरे से बचाता है। क्लाउड सिक्योरिटी को स्केल करना आसान और तेज होता है। और उसके बाद यह बहुत ही रिलायबल विश्वसनीय होता है, ठीक है। अब क्लाउड की सुरक्षा कैसे करें, अब हम ये लोग ये देखेंगे हाउ टू डू क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, आज भी देखते हैं। तो पहला है इंक्रिप्शन। तो हमें क्लाउड में मौजूद डेटा या एप्लीकेशन को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। इंक्रिप्शन एक विधि है जिसके द्वारा डेटा को सीक्रेट कोड यानी फिर सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिससे कि कोई हैकर हमारे डेटा को पढ़ ना सके, ठीक है। दूसरा है फायरवॉल। तो हम फायरवॉल का इस्तेमाल करके क्लाउड को सुरक्षित रख सकते हैं। फायरवॉल एक डिवाइस होता है जो हमारे नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक पर नज़र रखती है और हानिकारक ट्रैफिक को ब्लॉक करती है, ठीक है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए हम मौजूद पासवर्ड यानी मजबूत पासवर्ड यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे तो हैकर उसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस यानी कम लोगों को एक्सेस देंगे तो हमारा डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। बैकअप डेटा, डेटा का बैकअप करके रखेंगे तब हमारा डेटा ठीक रहेगा ताकि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये नोट्स भी ख़त्म होती है। अब हमारा एक लास्ट नोट्स बचा हुआ है, अब हम लोग इस नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है हम ये जानेंगे इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की समस्या को कई भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समस्या को अलग अलग कंप्यूटर्स के द्वारा हल किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिर्फ एक समस्या पर कार्य करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और ये एक दूसरे की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनको सरल शब्दों में समझें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बहुत सारे कंप्यूटरों का एक कलेक्शन है जो दूसरों को मैसेज पासिंग के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यदि कंप्यूटर अगर आसपास होते हैं तो उन्हें लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से जोड़ा जाता है, और यदि कंप्यूटर दूर होते हैं तो उन्हें वैन वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग था ये। और देखते हैं इसके फ़ायदे देखते हैं, एडवांटेज। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। यह इस बात की जानकारी देता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है फिर और शेयर कैसे किया जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मौजूदा संसाधनों को बहुत सारे डिवाइसेस में एक्सेस किया जा सकता है, और यदि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आती है तो यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं होने देता है। यह एप्लीकेशन की जटिलता को छुपाता है। इस कंप्यूटिंग को एक्सपैंड किया जा सकता है। अब इसके हम देखेंगे पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। और देखिए पहला है क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग बहुत से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक सेट होता है। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटरों का जुड़ा हुआ एक सेट होता है जिसमें सभी कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं ताकि वह सिंगल एंटिटी के रूप में कार्य कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। इसे एक्सपेंड किया जा सकता है या फ्लेक्सिबल है या स्केलेबल है। क्लस्टर कंप्यूटिंग आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी महंगा है, समस्याओं को ढूंढना मुश्किल होता है और ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दूसरा है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग एक प्रकार की सिस्टम है जिसे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जाता है। इसमें प्रत्येक सिस्टम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से संबंधित होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज देखेंगे, या कम समय में जटिल और बड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम है, ठीक है।
इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना आसान होता है। इसमें हार्डवेयर का उपयोग अच्छे से किया जाता है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। ग्रिड सॉफ्टवेयर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इसमें कंप्यूटर संसाधनों के बीच तेज कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अब तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर एक्सेस किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और रिट्राइव किया जाता है। इसमें इंटरनेट की होस्ट की गई सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का ये भी एक प्रकार है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके एडवांटेज देखते हैं तो डेटा को स्टोर करना और बैकअप लेना आसान है। इसमें जानकारी को शेयर करना आसान होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़र दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी एक्सेस कर सकता है। इसमें उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मेंटेन करना आसान होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें यूज़र को आप पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो डेटा को, फाइलों को एक्सेस करने में मुश्किल होगी उसको। ठीक है, देखो इसको अभी हम पढ़ चुके हैं तो इसको आप लोग पढ़ें। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब और आगे हम देखते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इस समय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। इस कंप्यूटिंग में सुरक्षा की कमी होती है। यदि नेटवर्क में कोई ख़राबी आती है तो यूज़र को डेटा एक्सेस करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यह प्रोग्रामर्स के लिए कठिन है, यह काफ़ी महंगा भी होता है और इस कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट या लागू करना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन देख लेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए होता है, सोसाइटी को सूचना प्रदान करने के लिए होता है, ऑनलाइन बैंकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट में किया जाता है इसका यूज़, और जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल क्लाउड टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे WS या फिर WS मतलब वेब सर्विसेज। ठीक है, Salesforce और माइक्रोसॉफ्ट Azure इत्यादि में। ठीक है, इसका यूज़ मनोरंजन जैसे ऑनलाइन गेमिंग, यूट्यूब और म्यूज़िक के लिए भी किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल एजुकेशन सेंटर में भी किया जाता है। ये था हमारा चारों PDF। अब हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हैं, एक दो चैप्टर, जैसे कि SLA हो गया, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर में कोई भी सर्विस प्रदान करने से पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे SLA कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एक मैराथन का और, जिसमें मैं जो चैप्टर्स एक दो छूटे हैं उसके क्वेश्चंस बताऊंगा और जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतनी गर्मी है फिर भी मैंने मेहनत करके आप लोग के लिए ये क्लास लाया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए क्योंकि पेपर नज़दीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।